क्योंकि वो सब धन चाहते हैं, धन चाहते हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं। हमारी सरकार कैसे अंधी हुई हुई है। तो इस प्रकार एक ऐसा प्रचार हो रहा है। अगर प्रचार हो जाए कि मेरी तस्वीर से योग हो रहा है, एड्स मिट रहा है, तो पाश्चात्य संस्कृति की हालत दयनीय हो जाएगी, समझे। अब वो जब मैं आपको दीक्षा दूंगा तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, वो आपका शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेंगे और ऑटोमेटिकली योग होगा, समझे सर। आप चाहोगे तो नहीं होगा, जिस अंग में कुछ गड़बड़ है उसको टोन अप करेगी कुंडलिनी, स्टिमुलेट करेगी, और जब तक वो ठीक नहीं हो जाए योग होता रहेगा, समझे। योग में आठ अंगों का अनुष्ठान, पातंजलि योग दर्शन में आठ अंगों का अनुष्ठान है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो उस दीक्षा से, राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा से पांचों काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। धारणा ध्यान और समाधि उसमें टाइम लगेगा, ये चेतन समाधि है, चेतन समाधि। जब तक आप सहस्रार में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपको बाहर की आवाजें सुनाई देगी। इस प्रकार योग जो होगा, योग में मतलब आठ प्रकार की वायु आई है, प्राण अपान समान उदान और ज्ञान। प्राणवायु जैसे स्वामी रामदेव एक्सरसाइज करवाता है, कपल भाती पता नहीं क्या करता रहता, इसमें भी होगा आपको, मगर आपको जितनी जरूरत है उतना ही होगा। वो जो करवा रहा है वो मतलब हर रोग में एक ही बात करवा रहा है, प्राणायाम होगा आपको और सैकड़ों प्रकार का होगा, मगर ऑटोमेटिकली होगा। तो अपान वायु नाभि से नीचे नीचे के डिस्चार्जेस को बाहर फेंकती है, और कुंडलिनी जैसे आप देवी के राधा सीता पार्वती के नाम से पूछते हो, हमारे योगी ने उसको कुंडलिनी कह दिया। उस सैक्रम में साढ़े तीन आटे लगा के मुंह अपने दुम को मुंह में दबावे, डोरमेंट पोजीशन में रहती है, सुषुप्ति में रहती है। अगर प्रॉपर गुरु है तो ही जगती है। आटयोग से अगर उसको छेड़छाड़ करोगे तो आपको पागल भी कर सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपको केवल नाम जपना है और ध्यान करना है, और मुझे यहां देखना है। मंत्र एक ही गुरु का चलेगा, आपके प्रोफेशनल गुरु है तो वो उसके साथ नहीं चलेगा मंत्र, और ध्यान मेरा करना पड़ेगा, उसके बाद में आपकी छुट्टी। अगर मुझ में कुछ गुंजाइश है तो काम अभी शुरू हो जाएगा, 20 साल नहीं लगेंगे। और मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, एक बात ध्यान से सुन लो, मैं आपको आपसे खुद से इंट्रोडक्शन करूंगा, आप क्या हो, आप शरीर नहीं हो, ये आत्मा है, आत्मा अजर अमर है। मैं आपको अपने आप से साक्षात्कार करवाऊंगा, अपनी आत्मा से साक्षात्कार करवाऊंगा, कुछ दूंगा नहीं, समझे। कोई गुरु कुछ देता लेता नहीं है भाई, कहे तो ठीक है, मैं तो कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं जो मुझ में है परिवर्तन वो आप सब में आ सकता है, सब्जेक्ट टू आप सरेंडर करो, गुरु के प्रति सद्भाव से नमस्कार करो। अर्जुन ने, अर्जुन को कहा था कृष्ण ने कि महाराज कोई योगी अगर योग भ्रष्ट हो जाए तो क्या वो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो अगले जन्म में ऐसे परिवार में जन्म लेगा और जहां से छोटा है वहीं से उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप अपने पूर्व जन्म के संस्कार से अनुसार पिछले जन्म में जहां तक पहुंचे उससे आगे बढ़ोगे। ये धन ऐसा है, ये बढ़ता ही बढ़ता है, समझे नहीं समझे, खर्चन जैसे नहीं कूटता है। तो इस प्रकार जो योग होगा और अभी होगा, समझे।
में ध्यान करवाऊं आपको, यहां मुझे देखना और नाम जपना जो मैं बताऊं। एक छोटा सा सेंटेंस है, श्री अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करेंगे, समझे ना, दो मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम, आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, समझे ना, समझे। पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है, आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, वो उसमें आ गया, मर जाता तो उसमें नहीं आता। इस तरह से आप लोग जीते बैठे हो, उसका नाम जब करोगे तो अभी से आज जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो आप चाहे किसी रोग से बीमार हो, एड्स हो, कैंसर हो, हेपेटाइटिस बी हो, ब्लड कैंसर, लैंडबैक की रिपोर्ट है मेरे पास 500 की, समझे। अब वो जवाब क्या है, उनके पास ऑथेंटिक रिपोर्ट है, एचआईवी पॉजिटिव और नेगेटिव के दोनों साथ है, मैंने भारत सरकार को दे दी, वसुंधरा को दे दी, मगर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, कह आधा लय में मिलावा, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा अंग, तो इसको जपना है राउंड में। तो अब कैसे छूटे नाम रट लागे, तो किसी बीमारी से ग्रसित हो इससे ठीक हो जाओगे आप। मगर प्रोफेशनल गुरु चाहे आप बना लो, मगर इस कष्ट के लिए तो मुझे गुरु बनाना पड़ेगा, मुझे समर्थन झुक करके डिमांड करनी पड़ेगी। राजा जनक का उदाहरण दूं मैं आपको, राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता था, बहुत गुरुओं को बुला लिया, नहीं पार पड़ी, फिर उधर से अष्टावक्र जी आ गए। अष्टावक्र जी को देख के वो लोग हंस दिए, दूसरे गुरु। तो जब जनक ने पूछा महाराज ये समस्या है, तो उसने कहा राजा ये तो कोई समस्या नहीं है, तू राजा है, जनक है, और औरव से अगर ये ज्ञान प्राप्त करना तो नहीं मिलेगा, तो को झुक के ही मांगना पड़ेगा। फिर उनका जवाब दिया गुरुओं का कि ये तो खाल के व्यापारी हैं राजन, इनको इस ज्ञान इसका ज्ञान ही नहीं है। तो कहते हैं अष्टावक्र जी ने कहा घोड़े के एक रकाब में पैर रख, दूसरे में नहीं रख सकेगा, बशर्ते तुम झुक के मांग ले। उदाहरण यह है कि कहते हैं 3 दिन तो खड़े रहे जनक, ये ऐसा दिव्य ज्ञान है जो इस भारत की पुण्य भूमि में हमेशा हुआ है। महर्षि अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बींग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया महाराज लेक्चर जा रहे हो बड़े लंबे चौड़े, आपके देश में तो शाकाहारी मांसाहारी सबसे पहला रहा, हम लोग सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप, समझे ना, समझा। तो स्पीच देते देते
किताबी ज्ञान तो उगल दिया, अब आज क्या बोलेंगे, स्टेज पे चले गए बेचारे, बोलने लगे, नीचे उतरे तो कहने लगे आज मुझे नहीं मालूम मैंने क्या बोला, मगर तालियां सबसे ज्यादा बजी, समझे। तो कितने लोग, कितने गुरु कहते हैं कि अफीम मत खाओ, शराब मत पियो, ये जहरीली लागन है, कोई सुनता है, मेरी क्यों सुनेगा। मैं कहता हूं चैलेंज के साथ कि नाम जप करते रहो, नशा पड़ोसी के नहीं रहेगा, आज ही फैसला हो जाएगा। लीकर के लिए तो अफीम के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, समझे, समझे। बाकी सारी बीमारियां ठीक हो रही है, एड्स हो रहे हैं, हेपेटाइटिस भी हो रही है, ब्लड कैंसर हो रही है, योग के आठ अंगों का अनुष्ठान है पातंजलि योग दर्शन में, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो धारणा ध्यान और समाधि ये तीन सूक्ष्म अंग है, इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये तो इस कुंडलिनी के जागृत होते अपने आप हो जाएंगे, ये चेतन समाधि है, समझो, जड़ समाधि नहीं है। आनंदमय कोष तक तो हमारे इस पवित्र देश में याज्ञवल्क्य नाम